हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है पनीर चिली। और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। तो उसके लिए आपको चाहिए 4 अनियन, 300 ग्राम पनीर, 1 कैप्सिकम और बारीक कटा हुआ गार्लिक और अदरक। फिर हम बनाएंगे स्लरी। स्लरी के लिए चाहिए हमें 2 कप मैदा और 2 कप कॉर्नफ्लोर। मैंने ये 50 ml का कप लिया था, छोटा वाला कप था, और उसमें मैंने 2 कप डाले थे कॉर्नफ्लोर और 2 कप मैदा। बाद में मैंने 2 पैकेट्स डाले थे चिली फ्लेक्स और 2 पैकेट्स डाले थे ओरेगानो। इससे टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है और हमारे पनीर चिली में थोड़ी तिखास आ जाते है, इसलिए 2 पैकेट्स डाले थे मैंने। ये डाल रही हूँ ओरेगानो और चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून चिली डाली थी, चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक डाला था। और फिर मैंने स्लरी बनाने के लिए 1/2 ग्लास पानी डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए और कोई भी लम्स न रहे। धीरे धीरे करने से पानी डालना है और 1 स्लरी तैयार करनी है हमें। देखे, ऐसी स्लरी बननी चाहिए। अब हम ऐसे चॉप करे स्क्वायर में हमें कट करना है सब कुछ। ऐसे चॉप करे हम फ्राई कर लेंगे, तेल गरम होना चाहिए। बाद में हम स्लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से पनीर हमारा एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो ये मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। सभी चीज हमें स्क्वायर में ही कट करनी है। ऑनियन और कैप्सिकम भी हमें स्क्वायर में ही कट करने हैं। यहाँ हमारे पनीर फ्राई हो रहे हैं, अभी फुल फ्लेम है, बाद में मैं स्लो कर दूंगी थोड़ी देर बाद में ताकि वो अच्छा बन जाए क्रिस्पी। देखिए, ऐसे पहले चिपक जाएगा, आपको एक एक को छूट अलग करना पड़ेगा। देखिए, मैंने अलग कर दिया है अभी। ये हमारा फर्स्ट स्लॉट ऑफ पनीर हो गया है रेडी। देखिए, अच्छा मस्त क्रिस्पी बना है। अब ऐसे ही हम और पनीर को फ्राई कर लेंगे, बाकी जो पनीर बचा है उसको भी। ये खाने में आप अकेले भी खा सकते हैं, ऐसे पनीर के पकोड़े के टाइप अच्छा लगता है। अगर आपको पनीर पसंद है तो आप खा सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया। ये चिपक गया था इसलिए मैं इसको अलग कर रही थी। यहाँ हमारा पनीर तैयार हो गया। ऑलमोस्ट मैंने सब पनीर फ्राई कर रही है। अब हम ग्रेवी बना लेंगे। देखिए, हमारे पनीर कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। देखिए, इसका क्रंच का आवाज आ रहा था ना, ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ट्राई करना। अब ग्रेवी के लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, उसमें वो चॉप्ड
हुए गार्लिक और अदरक का डाल दिया। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बाद में हम ऑनियन डालेंगे। ये देखिए ऑनियन डाल रही हूँ, ऐसे स्क्वायर में कटा हुआ। ये 4 मीडियम साइज के ऑनियन मैंने लिए थे। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए बाद में हम कैप्सिकम डाल देंगे। इसे अब गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है। अब हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम। ये मैंने 1.5 कैप्सिकम लिया है। इसको भी ऐसे स्क्वायर में कट कर लेना है। और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ा हमें क्रंची छोड़ देना है इसमें। देखिए सब अच्छी तरह से हो गया है। अब हम सॉस डालेंगे। पहले हम डालेंगे सोया सॉस। इतने पनीर के लिए मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाली थी। बाद में हम डालेंगे रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस मैंने डाली थी 4 चम्मच, ताकि मेरा पनीर भी बहुत ज्यादा था ना, इसलिए मैंने ज्यादा डाली थी। बाद में हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, वो भी 4 चम्मच डाली थी। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सभी को। अभी मैंने टोमेटो केचप डाल रही हूँ। 4 से 5 चम्मच टोमेटो केचप डालना है हमें। अगर आपको ज्यादा सॉस वाला पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी सॉस मिक्स होने चाहिए। अब मैं ये चिंग्स का पनीर चिली का मसाला डाल रही हूँ। 1 पैकेट मैंने डाल दिया था इसमें। और बाद में मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। यहाँ मैंने ये छोटा वाला 2 कप डाले थे पानी। अब अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और देखिए यहाँ हमारे पनीर चिली की ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है। और सुगंध भी उतनी ही मस्त आ रही थी। स्मेल भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और वो मसाला था इसलिए हमें और कुछ नमक या चिली कुछ डालने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये फ्राई करे हुए पनीर डाल देंगे इसमें और मिक्स करते जाएंगे। हम
मैंने सभी पनीर डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा पनीर चिली, एकदम बाहर जैसा टेस्ट आता है। यहाँ मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले, आप ऊपर से डाल सकते हैं। अब मैं इसे एक बाउल में काट लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। अब टेस्ट करते हैं कैसा बनाया हमारा पनीर चिली। देखिए दिखने में तो अच्छा है और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा बना था। एकदम इजी रेसिपी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ मैं मेरे भाई के को टेस्ट कराते हुए उसी के लिए मैंने बनाया था और उसे भी इतना ही पसंद आया। तो आप भी घर पर ट्राई करना और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।